नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, 2 मई को मैंने पटना में जन सुराज के नाम से एक अभियान की जो घोषणा करी है, उसी संदर्भ में आज मैं दूसरी बार आपके जिले समस्तीपुर में आया हूं। ये 2 अक्टूबर से जो मैं पदयात्रा करने वाला हूं, उसके पहले के प्रिपरेशन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि उस अभियान के तहत मैंने घोषणा करी थी कि जिन लोगों ने अपने यहाँ मुझे बुलाया है, या जो अपने लोगों से, अपने समाज से, अपने साथियों से, मित्रों से मेरा परिचय कराना चाहते हैं, ऐसे कोई 17,500-18,000 लोगों ने 2 मई को जो हम लोग के पास सूचना थी, उसमें वो संख्या 17,500-18,000 लोगों की थी। ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर, अपने शहर, अपने गाँव, अपने पंचायत में बुलाया था, उनके यहाँ मुझे जाना था पदयात्रा शुरू करने से पहले। मैंने अपने कुछ पिछले वार्ताओं में भी ये बताया है कि अब वो संख्या बढ़ के करीब करीब 70,000 से 75,000 के आसपास हो गई है। 70,000 से 75,000 लोग पूरे बिहार में ऐसे हैं जिन्होंने मुझे स्वयं से बुलाया है, या हमारी टीम ने उनसे संपर्क किया होगा। वो चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊँ, उनके खेत, उनके खलिहान, उनके गाँव, उनके बरामदे, उनके घर में बैठ कर जन सुराज के विषय में जो मैं ये कर रहा हूँ या जो प्रयास कर रहा हूँ इसके विषय में उनके और उनके साथियों, उनके परिवार, उनके मित्रों को ये बताएं कि ये पूरा अभियान क्या है, इसमें क्या कुछ किया जाना है, उससे इस अभियान से वो कैसे जुड़ सकते हैं। ये पूरे उसी अभियान के तहत मैं आज समस्तीपुर में दोबारा आया हूँ। ये आज मेरा समस्तीपुर में 3रा दिन है। इससे पहले मैं आया था, उस 1 दिन रुका था, और आज ये 2रा दिन है। 2 अक्टूबर से, जैसा मैंने पहले घोषित किया हुआ है, गांधी आश्रम चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से हम लोग एक पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा का उद्देश्य 3 है। 1, कि बिहार के हर गांव, हर पंचायत, हर शहर, हर ब्लॉक, हर मोहल्ले में पहुंचा जाए, लोगों से संवाद, सीधा संवाद स्थापित किया जाए, और इस पूरे आउटरीच और संवाद के पीछे 3 जो डिफाइंड पर्पस है, 3 जो उद्देश्य है, वो है कि समाज में लोगों से बातचीत करके ये पता किया जाए कि कौन से ऐसे सही लोग हैं समाज में जिनको राजनीति में लाया जा सकता है, या जो राजनीति में आना चाहते हैं और साथ में मिलकर आगे चलना चाहते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों से समस्याओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में जाना जाए, समझा जाए। और 3रा उद्देश्य ये है कि समाज में जो लोग धरती की समझ रखते हैं, बिहार को सुधारने, बेहतर बनाने के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उनकी सोच, उनके सुझाव, उनके मार्गदर्शन से कुछ फायदा उठाया जाए, कुछ को अपनी जो पूरी सोच है उसमें उसको समाहित किया जाए। पदयात्रा के अंत में, पदयात्रा जब खत्म होगी, तो एक ऐसा प्रयास है कि जितने लोग भी ऐसे चिन्हित किए जाएंगे जो साथ चलने के लिए तैयार होंगे, वो उनके साथ मिलकर राज्य स्तर पर एक बड़ा अधिवेशन 2 दिन या 3 दिन का किया जाएगा। आगे का रास्ता, राजनीतिक दल बनाना है, नहीं बनाना है, कैसे चलना है, वो सब मिलकर ही तय करेंगे। वो 20,000 की संख्या भी हो सकती है, 1,00,000 की भी संख्या हो सकती है। मैं आज ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि कितने लोग इस पूरे पदयात्रा के दौरान जुड़ेंगे और इस सोच से जुड़कर आगे चलना चाहेंगे, लेकिन जो लोग भी इससे जुड़ेंगे, आगे चलना चाहेंगे, वो मिलकर ही ये तय करेंगे पदयात्रा के बाद कि इसके आगे का जो स्वरूप है इस पूरे अभियान का, उसका क्या होगा, इसको दल में परिवर्तित किया जाएगा या नहीं, और अगर किया जाएगा तो उस दल को चलाया कैसे जाएगा, उस दल का संविधान क्या होगा, उसके पदाधिकारी कैसे बनाए जाएंगे, उसका टिकट कैसे बटेगा, इन सारे चीज़ों को लोकतांत्रिक और सामूहिक तौर पर ही डिसाइड किया जाएगा। अगर कभी दल बनता भी है तो वो दल कोई प्रशांत किशोर का या किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति, एक समुदाय का नहीं होगा, वो उन सारे व्यक्तियों का होगा जो मिलकर इस सोच से जुड़कर इस दल के निर्माण में इसके संस्थापक बनेंगे। 2रा, यात्रा खत्म होने के बाद जो पूरी यात्रा के दौरान लोगों से मुझे सलाह मिलेगी, लोगों से जो मैं जान समझ पाऊंगा, उसके आधार पर मैं एक बिहार के विकास के लिए 10 बड़े पहलुओं पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, ऐसे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर एक 10 वर्षीय
ब्लूप्रिंट खाका खींचकर पब्लिक के सामने रखा जाएगा। इस काम को करने के लिए पूरे देश विदेश से मैंने 250 से ज़्यादा लोग इकट्ठा करे हैं, या आप ऐसा समझें कि लोगों ने स्वयं से बताया है कि इस अभियान के तहत वो ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ज़्यादातर ये जो लोग हैं वो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के बाहर अलग अलग देश विदेश में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि वो बिहार के विकास का जो ब्लूप्रिंट हम लोग बनाना चाहते हैं उसमें वो योगदान करना चाहते हैं। तो ऐसे सारे विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है, 10 महत्वपूर्ण विषयों पर ये 10 साल का एक खाका वो खींच रहे हैं। लेकिन ये जो आज जो खाका है ये मेरी और उनकी सोच है, इसमें बिहार के लोगों की सोच समाहित नहीं है। ये जो पूरे पदयात्रा के दौरान हजारों लोगों से हम लोग मिलेंगे, उनसे जब सीखेंगे समझेंगे और उनकी सोच उनके सुझावों को इस पूरे ब्लूप्रिंट में समाहित करके पदयात्रा खत्म होने के 100 दिन के अंदर 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बिहार के समग्र विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और उससे महत्वपूर्ण कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा खाका जनता के बीच रखेंगे ताकि बिहार की जनता उसको देख सके, पढ़ सके, समझ सके और उस पर अपना आगे का उसके आधार पर आगे का निर्णय ले सके। अभी पूरी ये जो परिकल्पना है वो इसी बात पर आधारित है, इतनी जानकारी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अब इसके अलावे आपके मन में जो प्रश्न है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका आप अपने सवाल अब शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में जो भी राजनीतिक हुई है, नई सरकार का गठन हुआ है और जो दावा किया जा रहा है रोजगार को लेकर, क्या करेंगे? देखिए, सरकार नई सरकार बनी है तो बिहार के नागरिक होने के नाते मैं उसको शुभकामना ही दे सकता हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ। आपने नौकरी की जो बात कही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 17 साल से हैं, तो ये एक लॉजिकल सवाल जो आपके हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसी कौन सी विधा है जो नीतीश जी को कल तक पता नहीं थी, गांधी मैदान में भाषण देने से पहले पता नहीं था और अब पता चल गया, जिसके तहत वो 20 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं। अगर आपको पहले से जानकारी थी कि इसको किया जा सकता था या किया जा सकता है तो आपने किस क्यों उस अपने आप को रोक रखा था? नौकरी आपको पहले ही दे देनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, वो मुख्यमंत्री हैं, कोई कह सकता है कि नई सरकार है और उसकी प्राथमिकता में ये शामिल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को समय देना चाहिए। अब उन्होंने गांधी मैदान से पब्लिक के सामने ये कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख एडिशनल रोजगार के साधन। तो रोजगार का साधन तो जब होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा करते हैं, मैंने कल कहीं अपने भाषण में लोगों से मिलते हुए कहा है कि अगर सरकार 10 लाख नौकरी अगले एक साल में दे दे तो मैं नीतीश जी के और इस सरकार के समर्थन में अपने इस पूरे अभियान को वापस ले लूँगा, उनके समर्थन में अपनी बुद्धि शक्ति उनके पीछे ही लगा दूंगा। 10 लाख सरकारी नौकरी इस साल में मिलनी चाहिए, जैसा उन्होंने गांधी मैदान से घोषणा करी है, तो मैं उस बात के समर्थन में हूं कि अगर ऐसा किया जा सकता है या ऐसा ये सरकार कर पाती है तो मैं नीतीश जी के पीछे, महागठबंधन सरकार के पीछे खड़ा रहूंगा और अपने इस पूरे अभियान को विड्रॉ कर लूंगा। प्रशांत जी, आपने एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व फिर एक राजनीतिक विकल्प हो सकता है बिहार के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भविष्यवाणी तो मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कल मैं जब यहाँ नंदनी गांव में बातचीत कर रहा था लोगों से, तो वहाँ पर किसी ने ये प्रश्न पूछा कि आप पहले रणनीति बनाते थे और इस तरह का काम करते थे, आपको क्या लगता है ये सरकार कब तक चलेगी? तो मैंने उनको ये बताया कि जितनी राजनीतिक समझ मेरी है, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार अगले विधानसभा चुनाव तक इसी फॉर्मेशन में चलेगी। अब किस फॉर्मेशन में चलेगी, कौन टूटेगा, कब चेंज होगा, इसकी मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं, लेकिन 7 दलों का महागठबंधन वो जिस फॉर्म में आज बनाया गया है, इसी फॉर्म में 2025 विधानसभा का चुनाव लड़े, इसकी संभावना मैं करीब करीब 0 मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है कि ये 7 दल मिलकर चलाएं और मिलकर ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़े। संभव है कि लोकसभा के चुनाव तक ये साथ चल सकते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले इसमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ फेर बदल आपको दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है।
सर जी आप भी तो नीतीश जी से काफी जुड़ गए थे, तो फिर अलग होने का कारण क्या? देखिए, जुड़ गए थे वाली बात नहीं है, मैं तो उनके साथ 2015 में मैंने महागठबंधन का काम किया है, 2018-19 में मैंने उनकी पार्टी को फॉर्मली ज्वाइन करके उस पर एक पद एक जिम्मेवारी भी ली थी, और आज भी जब मैं नीतीश जी से अलग हुआ था तब भी और आज भी मैं कह रहा हूँ मेरे व्यक्तिगत तौर पर उनसे बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं। अगर आपको याद होगा जब पार्टी से मुझे हटाया गया तब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बताया था और जो मेरे शब्द थे मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि जितने दिन भी मैं और नीतीश कुमार जी साथ में थे मेरा और उनका जो संबंध है वो पिता पुत्र समान ही रहा है। तो मेरा वो उनसे व्यक्तिगत आज भी बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना एक बात है और राजनीतिक और प्रोफेशनल जो क्षेत्र है उस पर मेरा आकलन जो है वो अलग बात है। मैं जो आज आपने कहा क्यों छोड़ा, वो तो पब्लिक डोमेन में है। CA NRC को लेकर जदयू में जो कॉन्ट्राडिक्टरी पोजिशन थी, क्योंकि पार्टी में दो बार इंटरनल चर्चा में नीतीश जी ने ही खुद से ऐसा बताया कि CA NRC के विरोध में हम लोग खड़े होंगे, पार्टी ने पार्लियामेंट में उसके पक्ष में वोट कर दिया, विधानसभा में यहाँ उसके विपक्ष में आ गए, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आप हम लोग को ये तय करना चाहिए कि हम किस साइड होना चाहते हैं। पार्टी में दूसरी बात बता रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ दूसरा कह रहे हैं, विधानसभा में कुछ तीसरा कह रहे हैं, तो उससे मुझे जो तकलीफ थी या मुझे उससे जो मेरा मतभेद था वो मैंने पब्लिकली बताया। नीतीश जी और उनकी पार्टी उस समय जदयू की जो लीडरशिप थी उन्होंने तय किया कि भाई ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे निकाल दिया पार्टी से। ये उनका प्रीरोगेटिव है, उनका सम्मान है। जदयू की स्थिति एज ए दल 2010 में 2017 में जब उन्होंने मुझे हटाया 18 में, उस समय के मुकाबले आज कहाँ है ये मैं आपके और जनता के विवेक पर छोड़ रहा हूँ। इतना जानता नहीं हूँ और मैं उनके राजनीतिक घटनाक्रम पे उनकी क्या सोच है वो क्या करना चाहते हैं ये मेरा बोलना उचित भी नहीं है और मेरी उसको समझ भी नहीं है। मैं ओवरऑल जो राजनीतिक स्थिति बिहार में है उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति कोई नेता वो व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं ये तो वही सज्जन बेहतर बता सकते हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी ना करना चाहता हूँ ना कर सकता हूँ। नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ऐसी कोई घोषणा मैंने मतलब फॉर्मली राष्ट्र के स्तर पर हमने आपने तो देखी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बातें कही जा रही हैं वो हम लोग भी सुन रहे हैं। मेरे से ये सवाल पूछा गया जब ये महागठबंधन बन रहा था आज से कुछ दिन पहले, तो मैंने उस दिन भी कहा था, उसी बात को आपके सामने दोहरा रहा हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार का जो ये प्रयोग है ये बिहार सेंट्रिक है, इसके पीछे की सोच राष्ट्रीय नहीं लगती है मुझे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के स्तर पे नेशनल स्तर पे कोई बहुत बड़ी रणनीति बहुत बड़ी सोच बहुत बड़े प्रयास को पहले जामा पहनाया गया और उसकी शुरुआत बिहार में की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार सेंट्रिक प्रयास है, बिहार में इसको किया जा रहा है। चूंकि बिहार बहुत बड़ा राज्य है, राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण राज्य है, स्वाभाविक है कि अब इतने बड़े राज्य में अगर कोई बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम होगा तो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन राष्ट्र की राजनीति में कुछ तय करके उसके बाद उसको जामा बिहार में पहनाया जा रहा है ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। ये पूरा जो प्रयास है वो इसके लिए है कि बिहार में जो लोग सज्जन सत्ता में बने रहना चाहते हैं उन्होंने उसको सोच समझ के एक निर्णय लिया है। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को इस घटना पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग 17 का जिक्र कर रहे हैं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि 2012 से ये बिहार में किया जाने वाला छठवां प्रयोग है, छठवीं सरकार है और 6 अलग अलग सरकारों के फॉर्मेशन में 5 बार तो मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं, 1 बार सिर्फ बीच में मांझी जी बने थे, वो भी नीतीश जी ने ही बनवाया था। तो मोर और लेस इस पूरे 10 साल के राजनीतिक उथल पुथल के दौर में दो बातें बिल्कुल कॉन्स्टेंट हैं, एक नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना और दूसरा बिहार की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से बिहार की बदहाली, बिहार के विकास की चर्चा कोई नहीं कर रहा है,
चाहे फॉर्मेशन कुछ भी हो। आपने देखा 2012 में एनडीए की सरकार जब चल रही थी, उस समय से जब नीतीश जी उससे अलग हुए तो पहले अकेले चलाया, फिर 14 में जब चुनाव हार गए तो मांझी जी को बना दिया, फिर आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर 15 में चुनाव लड़े, फिर 17 में एनडीए में वापस चले गए, फिर 20 में एनडीए से चुनाव लड़े, फिर 22 में वापस एक नए महागठबंधन में चले गए जिसमें 7 दल शामिल है, क्योंकि ये जो महागठबंधन है इसमें 7 दल हैं, 15 के महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां नहीं शामिल थी, तो आप इसमें मांझी जी की पार्टी एक अलग पार्टी है, दोनों तीन लेफ्ट की पार्टियां हैं, तो 3 और एक 4 पार्टियां अधिक हैं 15 के मुकाबले। और जो लोग भी आप लोग राजनीतिक गतिविधियों को कैप्चर करते हैं, फॉलो करते हैं, गठबंधन में जितने ज्यादा दल होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्थायित्व में परेशानी है, उसको साधने में चलाने में उतनी ज्यादा परेशानी आने वाली है। आपने अभी देखा होगा, कल मैं पढ़ रहा था कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद जी का बयान आया है कि कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है, कि कांग्रेस को सही डिपार्टमेंट नहीं मिला या सही संख्या में उनके मंत्री नहीं बने। तो अभी तो ये शुरुआत है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 10 साल में 6 प्रयोग हुए, जब भी नया कोई प्रयोग होता है ऐसा ही लगता है कि यही प्रयोग बिहार के लिए सबसे स्थिर और स्थायी और बेहतर होने वाला है, साल 2 साल में आपको पता चलता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही बेकार है, नहीं चल पाया। आप तो जी, आपने अभी कहा जदयू से छोड़ने में जो कारण बताया कि एनसीसी सीए पर जदयू की पॉलिसी में तो एकरूपता नहीं, आपका क्या विचार है? नहीं, सीए एनआरसी पर तो मेरा विचार पब्लिक डोमेन में है, और एक बार नहीं उस पर मैंने दसियों ट्वीट किए हैं, उस पर मैंने वक्तव्य दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। जदयू उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मुझे परेशानी उस समय ये थी कि ना आप पक्ष में हैं ना आप विपक्ष में हैं, और आप पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ रहा हूँ, ये तो आपको कोई जानकारी आज पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे ट्वीट के टाइमलाइन पे जाकर देख लीजिए। मैंने कम से कम 10 मीडिया चैनल्स को देश के लेवल पे इंटरव्यू देकर बताया है कि सीए एनआरसी में क्या दिक्कत है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या परेशानी आ सकती है, क्यों उसको किया या नहीं किया जाना चाहिए। नीतीश जी तो सर आप काफी बोले हैं कि जुड़े हुए हैं, तो नीतीश जी की भावना है कि कुर्सी पकड़ के रखे या बिहार का विकास करे, इसलिए वो। अब देखिए, भावना उनकी क्या है ये तो मैं आपके और बिहार के जनता के विवेक पर छोड़ता हूँ, अब उसको आप शब्द चाहे जो भी यूज कर लें। नीतीश कुमार जी कुछ लोगों ने बताया कि 2015 में आपने नीतीश जी के लिए काम किया, उस समय और आज के नीतीश जी में क्या फर्क है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे, नीतीश जी उसमें चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनकी पार्टी चुनाव हारी थी या उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, नीतीश जी पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि वो पद छोड़ दें, फिर भी नीतीश जी ने 2014 में अपना पद छोड़ के मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार हैं जो 2020 का मैंडेट है, और अभी उन्होंने प्रेस में भी बताया कि हम तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे 20 में, क्योंकि जो मैंडेट है जनता का वो तो जदयू के पक्ष में आया नहीं था। आप 243 के विधानसभा में अगर आप 40-42 एमएलए जीते हैं तो आपके पक्ष में तो मैंडेट आया नहीं है, उसके बावजूद अगर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो ये जनता के सामने है, जनता के विवेक पर छोड़िए कि इसको जनता कैसे देखती है। सर, आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट गुरु से विख्यात हैं और आप नीतीश जी की, लालू जी की, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सीधा सवाल आपसे कि आप भी राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप राजनीति में बिहार में आएंगे तो बिहार पिछले कई दशकों से सभी विकास के मानक पर जीरो पे, आपका क्या मास्टर प्लान है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने कहा कि आप आने का प्रयास कर रहे हैं, आने का प्रयास कोई पिछले दरवाजे से नहीं कर रहे हैं, सामने से 2 मई को घोषणा करी है, अपना आने वाले साल भर का कार्यक्रम बताया है, उस कार्यक्रम के तहत समाज से मिलना जुड़ना, उनसे सीखना समझना, उसका एक कार्यक्रम विस्तृत मैंने जनता के सामने रखा है। अब साल भर मैं उसको करूंगा, कैसे करूंगा आप उसको देख रहे हैं, मैं आज समस्तीपुर में आया हूं तो आज आपसे बात हो रही है, उस काम को जब मैं करूंगा तो आपके पास और आपके साथ साथ बिहार के जनता के पास इसका एक इसकी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप मेरे काम को देखें, उसका मूल्यांकन करें, सही लगे तो मेरे साथ जुड़िएगा, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं है, कल चुनाव तो है नहीं,
मैं आपसे वोट नहीं, आपसे मतलब अभी किसी से वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने नाम का झंडा बैनर पोस्टर भी नहीं लगा रहा हूँ, मैंने कोई दल बनाया नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार को बेहतर समझने के लिए, बिहार के लोगों की सोच उनकी भावनाओं से जुड़ने और बेहतर उसको जानने के लिए मुझे अपने स्तर पे ये प्रयास करना चाहिए कि मैं जितना हो सके बिहार के गांवों में, पंचायतों में, ब्लॉक में, शहरों में जाऊं, लोगों से मिलूं, बात करूं, सीखूं, समझूं। उसके बाद कुछ लोग या बहुत सारे लोग अगर मिलकर कुछ तय करते हैं तो वो मिलकर तय करेंगे कि आगे का रास्ता राजनीतिक या गैर राजनीतिक क्या होगा। जहाँ तक आपने बताया कि बिहार के विकास के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि बिहार के विकास के लिए 10 क्षेत्रों में उसका एक 10 साल का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए 250 विशेषज्ञों की एक टीम हम इस पर काम कर रही है। मेरी सोच भी उसके साथ समाहित है, मैं भी लगा हुआ हूँ। लेकिन जो भी ब्लूप्रिंट आज बन रहा है या बना हुआ है वो उन विशेषज्ञों की और मेरी राय है, वो बिहार के जनता की राय नहीं है। मान लीजिए कि आप जिस ब्लॉक या जिस पंचायत से आते हैं, आप उस पंचायत को हमसे बेहतर जानते होंगे, उस पंचायत में स्कूल या शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है या वहाँ रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है, ये बिहार के लोगों को ही सबसे बेहतर पता है। इसलिए मैंने बताया पदयात्रा के दौरान लोग सही लोगों को चुनने के साथ साथ लोगों से समझना कि समस्या क्या है और इन समस्याओं के निदान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये लोगों का जो ओपिनियन है, उनकी जो सुझाव होंगे उनको शामिल करेंगे। और पदयात्रा खत्म होने के 100 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर, बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण पहलू पर पूरा 10 साल का ब्लूप्रिंट पब्लिक के सामने रखेंगे। चुनाव उस समय भी नहीं है, तो आपको नागरिक होने के नाते या एनालिस्ट या पत्रकार होने के नाते आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास ये मौका होगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के लिए, कृषि के लिए, करप्शन के लिए, मैं क्या, मेरी सोच है या हम लोगों की क्या सोच है और हमारा कार्यक्रम या हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, आप उसको देख पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर सही लगेगा तो जुड़ेंगे, सही नहीं लगेगा तो आप उस समय नहीं जुड़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत जी, भाजपा और जदयू का गठबंधन तो बिहार में सरकार चल रही थी, उस समय भी दागी मंत्री थे, आज भी दागी मंत्री है, अब भाजपा इतना है तो वह मचा रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दागी मंत्री कौन है कौन नहीं है ये तो आप लोगों का विषय है। मैं इतना कह सकता हूं बिना कोई नाम लिए कि इस मंत्रिमंडल में ऐसे कई नाम हैं जो कि 15 में इनका नाम जब आया था मंत्री बनने के लिए तो उसको नीतीश जी ने भी ऑब्जेक्ट किया था, और चूंकि मैं भी उस प्रक्रिया में शामिल था तो मैं आपको दावे से ये बता सकता हूं कि उन मंत्रियों के नाम या उन सुझावों को ड्रॉप किया गया था कि नहीं, इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कम से कम 3 से 4 नाम मैं नए मंत्रिमंडल में देख पा रहा हूँ। अब वो किन परिस्थितियों में बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, इसका बेहतर जवाब तो आपको मुख्यमंत्री दे सकते हैं या उनकी पार्टी दे सकती है या महागठबंधन के जो प्रवक्ता हैं वो बता सकते हैं। दागी है, कौन है नहीं है ये तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार 2015 में बनी थी, आप उसके मिनिस्टर्स की सूची निकाल लीजिए और आज जो मंत्रिमंडल बना है उसकी सूची निकाल लीजिए, उसमें वो आपको फर्क 3-4 नाम दिख जाएंगे जिनको कि आप दागी समझते हैं या बता रहे हैं। प्रशांत जी, अभी के जो माहौल है जिसमें दो ध्रुवीकरण में बिहार का वोट है, तो अगर बिहार में दो भाग में वोट बटा हुआ है तो आप मुझे वो राज्य बता दीजिए जहां पर कि वोट खाली पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर अभियान शुरू करें। भाई पहले से तो वोट कहीं ना कहीं पड़ा ही रहेगा। दूसरा, जो अगर आपको एग्जाम्पल दें, वेस्ट बंगाल में जब तृणमूल ने काम शुरू किया होगा 10 साल पहले, उससे पहले भी वहां पर दो ध्रुव में एक साइड लेफ्ट और एक साइड कांग्रेस, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम शुरू किया होगा उससे पहले वहां बीजेपी और कांग्रेस में 100% वोट बटा हुआ था, जब जगनमोहन रेड्डी ने काम शुरू किया होगा तो TDP और कांग्रेस में वोट 100% बटा हुआ था। जब भी कोई आप नया प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है कि पहले का वोट तो किसी 2 या 3 में बटा हुआ रहेगा। और हमने अभी कोई दल बनाया नहीं है, जब दल बनाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि किस गठबंधन से, किस समीकरण से कौन सा वोट निकल कर आएगा। देखिए, जो मेरा भारी आलोचक है
वो भी ये बात तो मानेगा कि भाई और कुछ हो जाए नहीं, प्रशांत किशोर को थोड़ी बहुत तो चुनाव की समझ जरूर है, ज्यादा नहीं होगी शायद जितना आप समझते हैं या यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ राजनीतिक विश्लेषक समझते हैं, शायद उतना मैं न समझता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चुनाव की समझ तो हमको भी होगी। और अगर हम सब सोच समझ कर यहाँ आए हैं तो आप ये मान कर चलिए कि दिमाग में उसको जीतने का खाका बनाकर आए होंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, अगर लड़ने यहाँ आए हैं तो जीतने का उसका खाका दिमाग में बनाकर आए होंगे। जीत पाए या नहीं वो एक अलग कहानी है, संभव है कि उसको करने में 2 साल लगे, संभव है उसको करने में 5 साल लगे। आप बता रहे हैं कि बिहार में सारे लोग 2 भाग में बटे हुए हैं, मैंने यहाँ 1 साल पहले एक स्टडी कराया बिहार में और उसमें 67% लोगों ने 67% लोगों ने बताया कि बिहार में कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर होने चाहिए, लेकिन बिहार में नया और बेहतर कुछ होना चाहिए ये बात शायद हमसे आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप समाज में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। हम लोगों ने तो एक स्टडी कराया तो उसमें पाया 67% लोग कह रहे हैं कि कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। अब नया और बेहतर के लिए जो आदमी भी प्रयास करेगा, जिस आदमी की भी विश्वसनीयता जनता में बनेगी, जिसकी पात्रता लोगों को समझ में आएगी, उसको वो सफलता मेरी समझ से, जो मेरा प्रोफेशनल असेसमेंट है, वो मिल सकता है। वो मुझे मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं कि बिहार में यही 2 दल हमेशा चलते रहेंगे तो ये लोकतंत्र में संभव नहीं है, विशेष करके इस स्थिति में जिसमें कि आज बिहार है। आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं, लोग नीचे त्राही त्राही मचा लोगों के लिए जिंदगी में मची हुई है और आप कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं 2 दलों से, मैं ऐसा साहब नहीं मानता हूं। बिहार में लोकतंत्र की अवधारणा को आप कितना सार्थक मानते हैं, क्योंकि पहले पब्लिक वोट देती थी, चूंकि पहले राजनीतिक पार्टियां कम थी तो कोई एक हारा एक जीता सरकार बन गया। आज पब्लिक पार्टी को नहीं गठबंधन को वोट कर रही है और बिहार में गठबंधन का हाल देखा जा रहा है, वो अपने मन से उठ करके आ जाते हैं। तो जनतंत्र में, लोकतंत्र में तो यही है कि जनता जिसको वोट दे, चाहे वो पार्टी को दे या गठबंधन को दे, सरकार उसकी 5 साल रहनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की अवधारणा के विपरीत कहीं ना कहीं यह हो रहा है, तो आप कितना सार्थक मानते हैं? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक अस्थिरता बिहार में कोई पहली बार नहीं आई है। आप बिहार की राजनीतिक इतिहास को उठाकर देखेंगे तो 1967 से 1990 के बीच में 23 साल के कालखंड में बिहार में 25 सरकार आई और गई। 23 नहीं, ये आपको ऐसा लगता है पार्टी के फॉर्मेशन में लड़िए या उसको गठबंधन, 2-4-5 दल मिलके उसको गठबंधन का नाम दे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर बिहार में 1967 से शुरू हुआ और 1990 तक चला। 23 साल में 25 सरकार आई और गई। 1990 से राजनीतिक स्थिरता है और राजनीतिक स्थिरता 1990 से 2012 तक, ये कोई 22 साल का जो कालखंड है जिसमें पहले 15 साल लालू जी की सरकार रही और 2005 से नीतीश जी, 2012 तक उन्होंने एनडीए के फॉर्मेशन में एक स्थिर सरकार चलाई। 2012 के बाद से पिछले 10 साल में, जैसा मैं आपको बता रहा था, फिर 6 सरकारें बन गई अलग अलग फॉर्मेशन में। जब जब राजनीतिक अस्थिरता इस राज्य में आया है तो आपने देखा होगा इस तरह के फॉर्मेशन का बनना, लोग एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से तीसरे साइड, एक लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया भी आप मान सकते हैं। और इस तरह से भी देख सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर बिहार यूपी जैसे जो राज्य हैं, ये बहुत, यहाँ की जो भूमि है इसमें राजनीति रचा बसा हुआ है, तो इसको चलाना, यहाँ स्थिर राजनीतिक व्यवस्था बनाकर रखना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा कुछ करेंगे तभी राजनीतिक स्थिरता आपको दिखेगी, अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो राजनीतिक स्थिरता आपको नहीं दिखेगी। इवन लालू जी के टाइम में बहुत लोगों को लगता है, और हम भी अभी बता रहे थे कि 15 साल वो रहे, लेकिन राजनीतिक स्थिरता उनके अपने दल की 4-5 साल ही रही शुरू में, बाद में उनको भी गठबंधन बनाकर ही सरकार चलाना पड़ा। बिहार जैसी राज्य में आप बता रहे हैं कि यहाँ स्थिर है, मैं तो ये देखता हूँ कि हर 5 साल में यहाँ नया एक्सपेरिमेंट होता है, जनता उब जाती है, दूसरे फॉर्मेशन को वोट देती है। नीतीश जी की जो सरकार चली एनडीए की 2005 से लेकर 2012 तक बहुत स्थिर चली, लेकिन 12 के बाद आप देख लीजिए हर दूसरे साल नया प्रयोग हो रहा है। प्रशांत जी, ये ईडी सीबीआई और देश में जो बढ़ती महंगाई,
इसको आप किस में लिया? देखिए, जो आदमी सत्ता में, जो दल सत्ता में रहता है, उसको कुछ नेचुरल एडवांटेज आप कह सकते हैं, कुछ उपयोग दुरुपयोग जिन शब्दों से भी आप उसको नवाजना चाहते हैं, जो विरोधी है उसको उसका दुरुपयोग बताएगा, जो उनके पक्ष में है वो उसका उपयोग बताएगा। वो बता रहे, जो सत्ता में होता है वो बताता है कि भाई संस्थाएं अपना काम कर रही हैं और स्वतंत्र तरीके से काम कर रही हैं। जो विरोधी होता है वो बताता है कि ये सत्ता में जो बैठे हुए हैं ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये भारत में पहली बार हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। जो लोग राजनीति को देखते समझते हैं, जो दल भी सत्ता में होता है वो इस तरह की बातों को उस पर आप आरोपित कर सकते हैं, लोग आप बता सकते हैं। उसमें सच्चाई कितनी है, उसको जनता कैसे देखती है, हमें और आपको उसको जनता पर ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो सत्ता में है वो कहेगा कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, जो विपक्ष में है वो कह रहा है कि भी सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसका फाइनल जज जो है इस पूरे कि कौन दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, वो किसी एक व्यक्ति के बजाय हमें जनता पर छोड़ना चाहिए। 20-25% इंडिया हर साल वोट करता है, ये लोकतंत्र की यहाँ खूबी भी है और उसको आप थोड़ी परेशानी का कारण भी मान सकते हैं। तो ये हमेशा आपके पास, जनता के पास ये अपॉर्चुनिटी है, सरकारों और विपक्ष के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर जनता समझती है कि सरकार दुरुपयोग कर रही है तो आने वाले चुनाव में उसका परिणाम दिखेगा। पहले तो लोग यही समझते थे कि अगर आप सत्ता का दुरुपयोग करोगे तो जनता आपको पनिश करेगी। तो हम लोगों को इसका जो निर्णय है वो व्यक्तिगत, चाहे मेरी सोच कुछ भी हो, निर्णय आपको जनता पर छोड़ना चाहिए और चुनाव में ये दिखना चाहिए कि जनता मानती है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर जनता मानेगी तो वोट उस हिसाब से होगा। क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी इस तरह का जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र एक अलग व्यवस्था है, बिहार में तो महाराष्ट्र से अलग हो गया। जिस दल पे आप दुरुपयोग का इल्जाम लगा रहे हैं या जो दुरुपयोग की बात हो रही है, ये तो उस दल के अगेंस्ट हो गया। यहाँ पर भाजपा को महाराष्ट्र में फायदा हुआ राजनीतिक तौर पे। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो ईडी सीबीआई वगैरह की मदद से वो हुआ, लेकिन बिहार में तो उनके उलट पड़ गई बात, सत्ता उनके हाथ में थी वो निकल गई। तो मैं वही बात आप कह रहा हूँ, बात को रिपीट करूंगा कि इसको एकदम एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते हैं। जो सत्ता में होता है उसको कुछ बातों का एडवांटेज है, जो सत्ता में नहीं है उसको कुछ बातों का एडवांटेज है। फाइनल एनालिसिस जनता पर ही छोड़ना पड़ेगा। जनता क्या समझती है कि उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, जनता को उसको तय करने देना चाहिए। हम आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन उसका एक बहुत उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। अल्टीमेटली जो जनता डिसाइड करेगी उसी को माना जाएगा। अच्छा, बिहार की सीमा से आगे भी चल करके चूंकि आप नीति काम बताए जाते हैं सबके लिए काम, तो यार 2024 में क्या होने वाला है? देखिए, जो मैं काम करता था, जिसको आप जिस शब्दों से भी, रणनीतिकार, नीतिकार, प्रबंधन, जिस शब्दों से भी बताना चाहते हैं, उस काम को मैंने 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए तो मैंने पब्लिकली ये घोषणा की है कि अब वो काम जीवन में फिर कभी दोबारा नहीं करेंगे। और उसके बाद एक साल तक सोचने विचारने के बाद ये तय किया है कि वापस बिहार आएंगे और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। और इसको करने के लिए, जैसा आप में से ज़्यादातर लोग एग्री करेंगे, तो कठिन काम है, करने के लिए इसमें वर्षों लग सकते हैं। और अभी मैं उसी के लिए पूरी तरह से संकल्पित हूँ, उसी काम को करना चाहता हूँ। देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे भूभाग में क्या हो रहा है उस पर मेरी कोई डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरा पूरा समय सुबह से शाम तक बिहार में जो मैं करना चाहता हूँ इसी पर रहे केंद्रित है और इसी पर आगे केंद्रित हो रहेगी। राज्य के स्तर पे, देश के स्तर पर क्या कुछ हो सकता है या होने वाला है उसकी बहुत जानकारी मुझे आज नहीं है, क्योंकि मैं उससे डायरेक्ट तौर पे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। पिछले मई से मैं लगातार बिहार में हूँ। 2-4-5 दिन अगर परिवार से मिलने जाने को छोड़ दें तो मैं बिहार से निकल कर गया नहीं हूँ, किसी से उठना बैठना है नहीं, बातचीत हो नहीं रही है। तो राज्य, देश के स्तर पर कुछ हो भी रहा होगा तो मेरी जानकारी से बाहर है।